गाइस फाइनली उस बॉक्स को जो है ना यहाँ पे हैंग करे, तो चलिए जो है ना लगाते हैं यहाँ पे एकदम साइड से। हाँ मिलाना स्वेटरवेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है ये हमारे कॉकटेल का एक पेयर है, पेयर तो नहीं कहेंगे क्योंकि यार मेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बर्ड्स है उसमें मेल फीमेल में कंफ्यूजन हो रहा है और यार मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मैंने फैदर भी चेक किए, बहुत हल्के से स्पॉट्स हैं और मसला जो है ना ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि कुछ टाइम तक कि इनको इसमें रखा है, आपको पता ही होगा। और अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या है कि इनको एक ब्रीडिंग बॉक्स देने वाले हैं। एक मेल है वो तो कंफर्म है, लेकिन एक जो इस साइड आगे बैठा हुआ है वो मेल कंफर्म है, पीछे वाला यार पता नहीं मेल है फीमेल है, कुछ क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी, देखा और नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करने वाले हैं, फाइनली हम इनको एक ब्रीडिंग बॉक्स देने वाले हैं और ब्रीडिंग बॉक्स हम इनको देंगे और देखेंगे कि भाई कुछ दिन में क्या रिजल्ट रहता है। अगर इनका पेयर लग जाता है और जो है ना ये एग्स वगैरह ले करते हैं तो अच्छी बात है, वरना 5-6 दिन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक बेहतरीन सी 2 फीमेल ला करके मतलब यहाँ पे रख देंगे। एक फीमेल लेकर के आएंगे पहले, क्योंकि यार जिसमें डाउट है ना वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या मसला है ना, तो उसको छोड़ देंगे और बेहतरीन जो है ना एक लगा करके और अच्छे से देंगे। आपको बॉक्स दिखाते हैं यार, हो मैंने अपने हाथ से ही बनाया है, सारी चीज़ें जो है ना खुद करी हैं उसमें, तो चीज़ें जो है ना आप हाथ से बॉक्स बनाते हो उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन ये कि हाँ चीज़ें सही बनी है ना। तो गाइज़ ये वो ब्रीडिंग बॉक्स है जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, खुद लकड़ियाँ ला करके और अच्छे से जो है ना हमने इसको क्रिएट किया है। मैं था और एक दोस्त था, उन्होंने जो है ना हम लोगों ने मिल करके बनाया है। ये पोर्शन है तकरीबन जो है ना, ये जो इसकी हाइट है ये 12 है और ये भी तकरीबन जो है ना आपकी 10 के आसपास है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका हमने यहाँ से पोर्शन बॉक्स दिया है चेक करने के लिए कि भाई क्या रिज़ल्ट रहेगा। रिज़ल्ट रहेगा इसके अंदर कि कॉकटेल जो है ना वो ब्रीड करेंगे, तो हम यहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना आराम से कि भाई इसके अंदर क्या मसला है, बच्चे आए अंडे आए नहीं आए सब इसके अंदर पता चल सकता है। ये 2 कीले लगा दिए हैंग करने के लिए, आराम से हैंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका इश्यू तो नहीं है यार। वो होल काटने का जो औजार होता है वो था नहीं, तो हम लोगों ने आरी से ही इसको ऐसे काट दिया है फिलहाल के लिए। टेम्परेरी बॉक्स है ये, लेकिन ये एक काम का है, काम करेगा, तो देखते हैं कि क्या मसला होने वाला है। और हम जो है ना अपने ब्रीडिंग बॉक्स, ये वाला ब्रीडिंग बॉक्स इसको अपने पैरट्स को देने जा रहे हैं। अंदर का पोर्शन भी काफ़ी बड़ा है कि कॉकटेल आराम से सर्वाइव कर सकता है, कॉकटेल जो है ना वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये लॉक सिस्टम है इसका, यहाँ से ऐसे करके इसको लॉक कर दो, ये देखिएगा इस तरह से अच्छे से ये लॉक हो जाता है और बस इसको हैंग करना है। तो चलिए हम जो है ना इसको टांगते हैं, इसके साइज का पहले पोर्शन काटेंगे और फिर देखेंगे कि भाई कहाँ पर ये सेट रहेगा। मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ पे लगा दूँ, लेकिन उस साइड में ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्रंट का पोर्शन दिखता है, तो उधर वाली जो है ना आराम से ये किनारे साइड में लगा देंगे, आराम से किनारे साइड में लगा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए हम जो है ना इसको हैंग करते हैं और देखते हैं हमारे कॉकटेल का क्या रिएक्शन रहता है। वैसे तो आई थिंक दोनों ही मेल हैं, लेकिन बस एक पे डाउट है और वो मतलब थोड़ा सा क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, तो देखते हैं कि क्या मसला होता है, इनका चीज़ें कहाँ तक की जाती हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बॉक्स को जो है ना रख करके देखेंगे कि भाई कहाँ पर कैसा आ रहा है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि एकदम साइड में हम जो है ना इसको फंसा देंगे, ये देखिए गाइस इस तरह से ये हैंग हो गया और गिरने का भी डर नहीं है कि ये बॉक्स जो है ना गिर जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से फंसा है और ऐसा ही कुछ हम चाह रहे थे कि ये आराम से ऐसे ही फंसा रहे। थोड़ा सा सीधा नहीं है, सीधा कर देते हैं इसको, ये देखिएगा अब ये पूरी तरह से सीधा हो चुका है और हमें देखना हो ये होगा कि भाई हम कहाँ पर होल काटेंगे, है ना। तो चलिए होल देखते हैं कि होल कहाँ पे कटेगा इसका। ऐसे यहाँ पे आपको भी दिखा देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओह ये खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रॉड लगा हुआ है, बट कोई नहीं, समझ में आ गया है कि भाई कहाँ पर जो है ना होल काटना है हमें। मैं जो है ना इतना बड़ा होल काटूंगा कि कॉकटेल जो है ना वो आराम से अंदर चला जाए और अच्छे से जो है ना वो ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दे। फिलहाल ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है,
तो चलिए हम जो है ना पहले होल काटते हैं। तो गाइस बारी है यहाँ पे होल काटने की। तो गाइस फाइनली होल कट चुका है और ये जो रॉड से निकली हुई है उसको हम जो है ना ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये होल कट चुका है और अब बारी है कि हम जो है ना जो इसका ब्रीडिंग बॉक्स हमने बनाया है उस बॉक्स को जो है ना यहाँ पे हैंग करें। तो चलिए जो है ना लगाते हैं यहाँ पे एकदम साइड से। हाँ मिलाना ऊपर और उठाओ और ऊपर उठाओ और ऊपर थोड़ा इधर करो हल्का इधर करो नीचे करो एक एक ऊपर जा रहा है। हाँ बस ठीक है वो वाला उसको वो वाला ऊपर जाएगा और ऊपर। हाँ बस 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 ठीक है। तो गाइज फाइनली जो ये ब्रीडिंग बॉक्स है कॉकटेल का ये लग चुका है और इनका रिएक्शन क्या होता है ये भी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद इसके अंदर, है ना, क्योंकि हम नहीं जानते इसमें से क्या होने वाला है और आपको भी चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज अब इनका रिएक्शन देखना है कि भाई क्या रिएक्शन होता है कॉकटेल का। आप जैसा कि देख रहे हैं इनको एक ब्रीडिंग बॉक्स तो मिल गया है बट आई होप के यार फीमेल ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है। फीमेल होगी तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर हमें और वेट करना पड़ेगा। जो मेरे कॉकटेल हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या है और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो गाइस हमने इनको बॉक्स दे दिया है और रिएक्शन आपको पता ही है भाई क्या रिएक्शन है इनका। ये आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों के दोनों मेल हैं बट आप भी मुझे कंफर्म करके बताओ कि भाई मेल है या नहीं है क्योंकि चीज़ें जो है ना यही है कि भाई हम मुझे इतना समझ में नहीं आया इसलिए मैंने बॉक्स दे दिया और कुछ दिन तक की देखेंगे फिर तो रिज़ल्ट मिल ही जाएगा भाई। जो भी चीज़ें होंगी सही होगा मेल होगा नहीं होगा तो पता चल जाएगा अपना आराम से और उसके बाद फिर हम जो है ना इनके लिए अच्छे से मेल फीमेल ला करके डाल देंगे। अगर दोनों मेल होते हैं तो दो फीमेल लेकर के आएंगे। एक मैंने सोचा येलो की ही लेके आएंगे, येलो लाएंगे ना तो चीज़ें अच्छी रहती हैं लेकिन थोड़ा सा मसला आता है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे क्या मसला आता है। फिलहाल अभी ये कि मैंने दे दिया है और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। तो गाइस इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच बाय।